आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिले की 75 खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। मेरठ में मिले कोरोना के 6 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 23। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर बढ़ी निगरानी, कांग्रेस अग्निपथ के खिलाफ जंतर मंतर पहुंचने का किया ऐलान। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश, प्रत्येक मरीज का विवरण प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्री को दे। आगरा में चलती एम्बुलेंस में लगी आग, सिपाही और होमगार्ड ने बचाई 3 लोगों की जान, चौकी में लगे नल से लाए पानी। मैनपुरी में शादी की दावत खाने पर 50 लोग बीमार, पेट दर्द और उल्टी से हालत नाजुक, गांव में फूड पॉइजनिंग से दहशत। वाराणसी में बॉर्डर, रोडवेज और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ी चौकसी, तोड़फोड़ में शामिल 27 सुपद्रियों से होगी वसूली। बलरामपुर में बाइक सवार युवक को मारी गोली, पीठ चीर कर गोली, सीने से हुई पार, दुकान बंद करने जा रहा था घर। लखनऊ में दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार, मुंह पर थूका, गालियां देकर पीटा, 2 नामजद समेत 14 पर केस। सातवें अजूबे ताजमहल का बुरा हाल, ताजमहल को बनाया बंदरों ने स्विमिंग पूल, गर्मी भगाने को फाउंटेन का इस्तेमाल। फर्रुखाबाद में पथराव करने पर 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा, अग्निपथ योजना के विरोध में युवकों ने श्याम नगर ट्रेन किया था पथराव। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर मिला वृद्ध का शव, मुंह पर मिला चोट का निशान, मोबाइल के जरिए हुई पहचान। फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, मां को बचाने आए उसके बेटे को भी लाठी डंडों से पीटा। चंदौली में नहीं थम रहा आक्रोश, 2 घटनाओं के बाद अफसर बैकफुट पर, ग्राम प्रधान से मदद करने की कर रहे अपील। मथुरा में घर में घुसकर लड़की की हत्या, बचाए ने आई मां पर भी किया हमला, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा। प्रयागराज हिंसा में शामिल अखलाक ने किए कई खुलासे, बोले जुमे पर वो मरने या मारने के लिए गया था ब्रेन वॉश। अंबेडकर नगर में पूर्व विधायक पवन पांडे समेत 9 पर केस दर्ज, फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने और धमकी देने का आरोप। फिरोजाबाद में अग्निपथ को लेकर चौपाल लगा रहा प्रशासन, युवाओं को बताया जा रहा है योजना के लाभ, रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा। सुल्तानपुर में बाहुबली पूर्व विधायक समेत 4 पर एफआईआर, दलित को धमकाने व मारपीट का आरोप, महीने भर में दर्ज हुआ दूसरा केस। मथुरा में अग्निपथ के विरोध में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। देवरिया जेल में जावेद को किया गया शिफ्ट, 10 जून को प्रयागराज में भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद नैनी जेल में बंद था। मथुरा में फर्जी आईएएस से गिरफ्तार, वेटरनरी यूनिवर्सिटी के पशु चिकित्सकों से मांग रहा था रंगदारी। गोरखपुर में फर्जी मैसेज वायरल कर भड़काई गई थी हिंसा, युवक के सुसाइड की अफवाह कर शुरू हुई थी तोड़फोड़। बरेली में अग्निपथ को लेकर जल शक्ति मंत्री ने विपक्ष का किया घेराव, बोले विरोधियों के बहकावे में ना आए युवा। आगरा के फतेहपुर सीकरी में वाहन चेकिंग के दौरान खननकर्ताओं ने सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर, 1 आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में पत्नी से कहा सुनने के बाद पति ने की आत्महत्या, मायके बात करने से किया था मना, बात न मानने पर कमरे में लगा ली फांसी। शाहजहांपुर में अनियंत्रित प्राइवेट बस पलटी, 13 यात्री घायल, लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। आगरा बार के बाउंसर्स ने फौजी को लाठी डंडों से पीटा, पुलिस पहुंचा तो भाग निकले आरोपी। देवरिया में अग्निपथ के विरोध में पुलिस पर हमला, सिपाहियों ने भागकर बचाई जान, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, पेट्रोल पंप पर लूटपाट। कानपुर में
बहू से गुस्साए ससुर ने पुलिस पर किए 45 फायर। पहले पत्नी बेटे बहू को बंधक बनाए, बचाने आए दरोगा, दो सिपाही जख्मी। सुल्तानपुर में जमीनी विवाद, टूटा दबंगों का कहर, दबंगों ने महिला का तोड़ा हाथ, लगातार दो दिन पीटा, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली जा रहे लोगों के साथ मारपीट, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। बदायूं में उधार के पैसे मांगने पर विकलांग को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में बलिस्टर यादव की हत्या में शामिल 6 अभियुक्त गिरफ्तार, आपसी लेन देन के विवाद में हुई थी हत्या। फरुखाबाद का 5 मंजिला टाइम सेंटर जमींदोज, लगाने पड़े 20 मजदूर और 3 बुलडोजर। अग्निपथ पर विपक्ष का भारत बंद, दिल्ली सत्याग्रह में शामिल होने जा रहे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन को गाजियाबाद पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। हरदोई में अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सख्त, एसपी व एसडीएम के दल बल के साथ किया पैदल गश्त। मैरिज एक बार फिर साथ खाया जहर, बीमारी से परेशान होकर उठाया कदम, पति की मौत और पत्नी की हालत नाजुक। रायबरेली में अग्निपथ के खिलाफ युवाओं का आक्रोश, योजना के विरोध में युवाओं ने किया रायबरेली कानपुर हाईवे जाम। बांदा में किसान ने सांप को बनाया निवाला, हाथ में काटा तो सांप को लपेट कर खा गया, डॉक्टर बोले जान को नहीं कोई खतरा। संत कबीर नगर में चलती स्कूटी में लगी आग, छात्रों ने धुआं उठता देख गाड़ी खड़ी की, 30 मिनट में जलकर हुई राख। लखनऊ में अग्निपथ योजना के फायदे बताएंगे मंत्री और नेता, भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की जिलों में होगी सभाएं। आजमगढ़ में बोले भाजपा एमएलसी प्रांशु दत्त, अग्निपथ पर किसी के बहकावे में ना आए युवा, इस बार ढहेगा आजमगढ़ का किला। मेरठ में अवैध आरा मशीनों पर चला बुलडोजर, वन विभाग ने फोर्स लगाकर बुलडोजर से उखाड़ फेंका आरा मशीन। मिजोर में बच्चों के विवाद में पड़ोसी ने युवक को मारी गोली, घूमने से मना करने पर शुरू हुआ था विवाद। फिरोजाबाद में विरोध प्रदर्शन की कवरेज करने गए पत्रकार पर मुकदमा दर्ज, प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी। गोरखपुर में सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंचे दो रोचक मामले, महिला ने की बकरी मारने की शिकायत, दिव्यांग बोले बेरोजगार हूं नौकरी चाहिए। हमीरपुर में राठ में महिला ग्राम प्रधान की दबंग गई, ब्यूटी पार्लर में घुसकर संचालिका व उसकी गर्भवती देवरानी को पीटा, एफआईआर दर्ज। और अरैया में जर्जर दीवार गिरने से मां की मौत, बेटा घायल, जानवरों को चारा देने गई थी महिला, पड़ोसी के घर की गिरी दीवार। मुरादाबाद में जेल मंत्री बोले युवाओं को जल्द समझ आएगी अग्निपथ योजना, कहा विपक्ष को समझ में नहीं आती उनकी नीतियां। महराजगंज में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, संपत्ति को लेकर दोनों में हुआ था विवाद, दौड़ाकर मारी गोली। रामपुर में भाजपा सरकार पर बरसे आजम खां, अपने ऊपर हुए जुल्म बताकर आसिम रजवा के समर्थन में मांगे वोट। बदायूं में व्यापारी के नौकर से 8.77 लाख झपटे घी, व्यापारी का नौकर एसबीआई के मेन ब्रांच में रुपए जमा करने के लिए गया था। मऊ में नगर पालिका के बुलडोजर ने 12 ऑटो को टक्कर, 6 यात्री घायल, ड्राइवर पुलिस हिरासत में। शामली में डीएम ने की रिटायर्ड फौजियों के साथ बैठक, अग्निपथ योजना को लेकर हुई चर्चा। पीलीभीत में सड़क हादसे में 4 शिक्षिकाएं घायल, कार से उत्तराखंड जा रही थी तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। मेरठ में अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने टोल पर किया आंदोलन, रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। बाराबंकी में महिला की मौत, आरोप ससुरालियों ने शव भी नहीं देखने दिया, कर दिया अंतिम संस्कार, पुलिस ने बरती लापरवाही। बागपत में ग्रामीणों ने खुद उठाया सफाई का जिम्मा, जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई थी सफाई, अभियान में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। अमरोहा में किसानों ने अग्निपथ योजना को सराहा, कहा हालात बिगड़ने पर दुश्मनों से करेंगे सामना, कोई भी देश हमले से पहले सोचेगा।
गौतम बुद्ध नगर भारत बंद को लेकर पुलिस मुस्तैद, ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ललितपुर में युवाओं को भड़काने वाला गिरफ्तार, अग्निपथ योजना के विरोध में किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत में वार्डों का परिसीमन शुरू, भारी बढ़ चीनाफा को नगर पंचायत का दर्जा, 10,000 की आबादी पर बने 10 वार्ड। कुशीनगर में कसिया में 5,000 लोग एक साथ करेंगे योग, जिला प्रशासन ने बुद्ध महापर्व निर्माण में लगाया पंजा। हापुड़ में भारत बंद की अफवाह पर पुलिस अलर्ट, स्टेशनों पर आरपीएफ जीआरपीएफ का पहरा, हाईवे पर जगह जगह लगे बैरियर। गाजीपुर में अग्निपथ योजना के हिंसा को लेकर प्रशासन सतर्क, गाजीपुर में आईजी कमिश्नर ने संभाला मोर्चा। अमेठी में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, युवक की पत्नी का दोस्त से हो गया था फेर, लाठी से पीट पीट कर मार डाला। कानपुर देहात में 10,000 लोग एक साथ करेंगे योग, स्पोर्ट्स स्टेडियम में 6 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम, 2 घंटे तक चलेगा। झांसी में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक की मौत, झांसी में 4 युवक बाइक से जा रहे थे। अयोध्या के बीकापुर में मृतक पर एफआईआर करने वाले दरोगा सस्पेंड, 7 जून को युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों की पुलिस से हुई थी झड़प। उन्नाव में अग्निपथ के विरोध को लेकर अलर्ट, खुफिया विभाग से मिली बवाल होने की सूचना, शहर में पुलिस ने किया पैदल मार्च। जलौन में गंदगी देख भड़की डीएम, बोली 7 दिन में साफ हो शहर, अतिक्रमण करने वालों पर हो कार्रवाई। जनपद मधुरा में कोरोना की दस्तक से हड़कंप, वृंदावन के वृद्धाश्रम में 4 महिलाएं पॉजिटिव। फतेहपुर में खुलेआम बेचा जा रहा गांजा, बिक्री का वीडियो आया सामने, थाना के पास ही है दुकान, पुलिस बनी अंजाम। कौशाम्बी में दबंग भाइयों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, बारात में हुई कहा सुनी कलिया बदला। बुलंदशहर में बढ़ रही असलहा प्रेमियों की संख्या, हथियारों के जखीरों के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। प्रदेश के 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।